नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो आज के समय में पूरी दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े बुजुर्ग भी पीएम मोदी को जानते हैं। देश के हर कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा ही उनके रॉयल अंदाज के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में बनी सुरंग कहां जाती है और इसे क्यों बनाया गया है। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह वाले बंगले में क्यों नहीं रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और अब उस बंगले का क्या इस्तेमाल होता है। साथ ही हम मोदी जी के बंगले के उस पूरे समूह के बारे में बताएंगे जिसे देश कुछ साल पहले 7 रेस कोर्स रोड कहता था लेकिन अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहता है। सब कुछ जानेंगे आप, बस इसी तरह हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से सरकारी आवास में रह रहे हैं। उनका नाम 7 लोक कल्याण है। सेंट्रल दिल्ली में बसा ये प्रधानमंत्री आवास 12 एकड़ जमीन पर बना है। दिलचस्प बात यह है कि 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास एक नहीं 5 बंगलों का है। ये 1980 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास के अलावा सुरक्षा प्रतिष्ठान, SPG और गेस्ट हाउस भी शामिल है। पीएम हाउस का ऑफिशियल पता पहले 7 रेस कोर्स रोड था लेकिन सितंबर 2016 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। दोस्तों, इस बंगले में कई प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मोदी से पहले यहां 10 सालों तक मनमोहन सिंह रहे, उससे पहले राजीव गांधी और VP सिंह का भी ये प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक आवास रहा। देश के सबसे खास ओहदेदार प्रधानमंत्री आवास के बंगले का नक्शा रॉबर्ट टॉर रसेल ने बनाया था। रसेल 1920 और 1930 के दशक के दौरान नई दिल्ली का नक्शा तैयार कर रहे ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन की टीम का हिस्सा रहे थे। प्रधानमंत्री VP सिंह के कार्यकाल के दौरान इसे सरकारी निवास बनाया गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री सांसद के तौर पर दिए जाने वाले बंगले में रहा करते थे। पीएम आवास में जो 5 बंगले हैं उनकी संख्या 1, 3, 5, 7 और 9 है। वर्तमान में 5 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री का निजी आवास है और 7 लोक कल्याण मार्ग उनका कार्यालय। बंगला नंबर 9 में SPG रहते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा और बाकी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी संभालते हैं। बंगला नंबर 3 प्रधानमंत्री के अतिथियों के लिए गेस्ट हाउस है जबकि बंगला नंबर 1 प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया हेलीपैड है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये बंगले आकार में बहुत बड़े होंगे जबकि ऐसा नहीं है। इन बंगलों में 2 बेडरूम और 1 रूम के अलावा 1 ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम में एक साथ 30 लोग बैठ सकते हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग में एक बहुत बड़ा बगीचा है। यहाँ बड़ी संख्या में गुलमोहर, सेमल और अर्जुन के पेड़ लगे हुए हैं। बाग की शोभा बढ़ाने के लिए मोर सहित कई पक्षियों का घर भी बसाया गया है। 7 लोक कल्याण मार्ग एकमात्र ऐसा आवास है जिसकी सुरक्षा SPG करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर विजिटर्स और मेंबर्स अक्सर मोदी हाउस के ग्लैमरस लॉन की तारीफ करते हैं और सही भी है। ये लॉन अच्छी तरह से बनाए गए हैं और विशाल विस्तार है जो देखने में बहुत लुभाता है। बता दें कि परिसर में केवल एक ही प्रवेश द्वार है। एक विशेष गलियारा पंचवटी को 7 लोक कल्याण मार्ग से जोड़ता है और इन दीवारों पर कला के विशेष टुकड़े जैसे स्मृति चिन्ह और यूनिक कलेक्शन है जो PM को उनकी विश्व यात्राओं पर उपहार के रूप में मिलते हैं। NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा मोदी हाउस को उधार दी गई विभिन्न पेंटिंग्स भी हैं। ये गलियारा कई सम्मेलन सेल्स और एक बड़े बैंक्वेट हॉल में विभाजित है। यहाँ के चित्र और स्मृति चिन्ह घूमते रहते हैं और अन्य कलाकृतियों की तरह जो इस कॉरिडोर पर प्रदर्शित नहीं है उन्हें सरकार के ट्रेजर हाउस में भेज दिया जाता है जिसे तोशखाना या खजाना घर भी कहा जाता है। PM के घर और उसके आसपास का इलाका सख्त निगरानी में रहता है। 2400 घंटे SPG सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अगर किसी को PM हाउस से अपॉइंटमेंट मिलती है तो भी उसे सीधे PM के निजी आवास तक नहीं ले जाया जाता। अगर कोई शख्स PM आवास जाता है तो उसे सबसे पहले 9 लोक कल्याण मार्ग से एंट्री मिलती है, इसके बाद पार्किंग है और फिर वेलकम रूम। जबरदस्त सुरक्षा जांच के बाद वो 7, 5, 3 और फिर 1 लोक कल्याण मार्ग पहुंचता है। PM आवास की सिक्योरिटी इतनी कड़ी है कि प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों को इस जांच से गुजरना पड़ता है। प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी SPG को पहले से ही आने वाले लोगों के नाम देते हैं जिनका नाम लिस्ट पर होता है। सिर्फ उन्हीं को प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति होती है। PM से मिलने के लिए पहचान पत्र का साथ होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके पास बने गगनचुंबी होटल सम्राट के टॉप 4th फ्लोर सरकार ने ले रखे हैं।
पीएम आवास का पूरा इलाका नो फ्लाई जोन है। पीएम आवास का अपना पावर स्टेशन है। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर्स और नर्स 24 घंटे यहां ड्यूटी देते हैं। एक एम्बुलेंस, 6 बीएमडब्ल्यू कार हमेशा प्रधानमंत्री के गाड़ियों के काफिले के साथ साथ चलती हैं। प्रधानमंत्री आवास में फिल्म देखने की भी व्यवस्था है। साल 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई के रिलीज होने के तुरंत बाद यूएफओ मूवीज के डायरेक्शन से 7 लोक कल्याण मार्ग में फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई थी। बाद में तारे जमीन पर और पीपली लाइव की भी प्राइवेट स्क्रीनिंग की गई। प्रधानमंत्री आवास में काम करने वालों में सचिव कर्मचारियों के अलावा 50 माली, चपरासी और इलेक्ट्रीशियन है। आपको बता दें कि यातायात की भीड़ को कम करने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग को सफदरजंग हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2 किलोमीटर की भूमिगत सुरंग बनाई गई थी। कमल अतार तुर्क मार्ग, गोल्फ कोर्स और सफदरजंग मकबरे से बनाई गई है। इसके बाद एक भूमिगत मार्ग है जो हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर हैंगर की ओर जाता है। ये वो जगह है जहां WIP हेलीकॉप्टर उतरते हैं। इस विशेष सुरंग का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था और 2014 तक पूरा हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष सुरंग का उपयोग करने वाले पहले पीएम थे। दोस्तों, यहां निवास करने वाली शख्स के हाथ में देश के 135 करोड़ भारतीयों के भविष्य की बागडोर होती है। कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कारण देश की सियासत में इसका जिक्र भी जोर शोर से होता रहा। और हो भी क्यों नहीं, आखिर देश के प्रधानमंत्री का निवास यहीं 7 लोक कल्याण मार्ग में ही तो है। दरअसल सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई त्रिकोणीय संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का सौंदर्यकरण कार्य के साथ ही प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवासों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से देरी हुई। यानी जल्द ही प्रधानमंत्री के कार्यालय में नया बंगला तैयार हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री अभी 80 के दशक में बने तत्कालीन रेस कोर्स के बंगले में ही रहते हैं। अब दोस्तों बात करें नरेंद्र मोदी के कुछ खास शौक की, तो पीएम मोदी अपने पास खास पेन रखते हैं। उन्हें पेन कलेक्ट करने का खास शौकीन माना जाता है। पीएम के पेन की कीमत लाखों में है। जिस कंपनी का पेन वो यूज करते हैं उसका नाम माउंट ब्लैंक है। प्रधानमंत्री के माउंट ब्लैंक इन पर्टिकुलर पेन की कीमत 1,30,000 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्गारी स्पैक्स ब्रांड का चश्मा पहनते हैं जो कि इटली की कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चश्मा पहनते हैं उसकी खास बात यह है कि यदि इस चश्मे को 20 मंजिल ऊंची इमारत से भी गिरा दिया जाए तो इस चश्मे में एक भी खरोच नहीं आएगी, यानी कि इस चश्मे पर कुछ भी असर नहीं होगा। इस चश्मे की कीमत 40,000 रुपए है। आपको बता दें कि मोदी जो घड़ी पहनते हैं वो स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मोवोडो की है। इस घड़ियों की रेंज 39,000 रुपए से शुरू होकर 1,90,000 तक जाती है। एक खास फैक्ट ये भी है कि पीएम मोदी उल्टी घड़ी पहनते हैं। ये पीएम मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो अपनी कलाई में उल्टी घड़ी क्यों बांधते हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि वो कलाई में उल्टी दिशा में घड़ी इसलिए बांधते हैं क्योंकि अक्सर उन्हें मीटिंग्स के दौरान समय देखना होता है, तो वो ये नहीं चाहते कि सामने बैठे लोगों को इसका पता चले। उन्होंने कहा कि उन्हें जब कभी ऐसी बैठकों में समय देखने की जरूरत होती है तो उल्टी दिशा में घड़ी होने की वजह से वो आराम से समय देख लेते हैं और लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपको रंग से जुड़ी जानकारी पहले से पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए।